तो गाइस राज भी चला गया है स्कूल, सगुन गई चले गई है, सगुन को छोड़ने गए हैं उसके पापा। राज आज अपने आप जा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता कुमावनी। तो गाइस सुबह के बजे हैं 8:15 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। अब सगुन चले गई है स्कूल, सगुन को छोड़ने उसके पापा गए हैं और राज अभी अभी निकल रहा है। राज कह रहा है मैं आज खुद जाऊंगा, तो आज खुद जा रहा है। तो मैं ना अब चाय मैं अब पीऊंगी। मैंने सुबह सगुन के पापा को चाय बना के दी और अपनी भी चाय बनाई। मेरे को ना पीने का टाइम ही नहीं मिलता है, सुबह सुबह बच्चों का टिफिन तैयार करना होता है। तो सगुन को चाहिए थे आलू के पराठे और राज को चाहिए थे गोभी और प्याज के पराठे। तो दोनों के लिए अलग अलग पराठे बनाए और पैक किया, उनके बैग में डाले, फिर वो लोग गए। जब अब जाके मैं फ्री हो रही हूँ तो आप पीती हूँ आराम से बैठ के चाय। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 10 और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और आज ना मैं कपड़े धो रही हूँ इतने सारे। तो हमने जाना है परसों शादी में, हमारी भतीजी की शादी है देहरादून में, तो उसकी भी तैयारी चल रही है हमारे साथ साथ। कपड़े वपड़े देख रहे हैं, ट्रैकलिंग वगैरह करा रहे हैं, मतलब मैं कपड़े आसपास हमने कोई नए कपड़े भी नहीं खरीदे थे, तो हमने इसलिए नए कपड़े नहीं खरीदे हैं इस बार। और जो कपड़े हैं मतलब उनमें ड्राईक्लीन करा के उनको भी पहनेंगे आप। तो मेरा फोन का कवर भी ना ये पुराना हो गया था मेरे को, बट बहुत अच्छा लग रहा था। राज ने ये चेंज कर दिया, ब्लैक वाला पहना दिया, ये वाला निकाल। हमने यहाँ कपड़े निकाल रखे हैं, ये देखा। इसके पापा ने कोड देख रहे हैं कि ड्राईक्लीन कराना है या ऐसे ही प्रेस कराना है, देख रहे हैं। बाहर मैंने मशीन भी लगा रखी है कपड़े धोने की, सारे काम हो गए। आज मौसम कैसा हो रहा है? मैं मौसम तो अच्छा हो रहा है, हमारे घर पे तो एक जैसी मौसम रहता है, धूप आती नहीं है यहाँ पे। और ऐसा लगता है मैं बाहर जैसे बारिश का ही मौसम हो रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप अच्छी खिल रखी है बाहर। तो कपड़े भी धुल ही रहे हैं। फिलहाल मैंने चाय बना रखी है, चाय पी लेते हैं। और मुझे चाय भी ठंडी पीना पसंद है। सब उनके पापा ने कप की पी भी ली है, मैंने अभी तक नहीं पी है, आप पीती हूँ। तो गाइस दिन के बज गए हैं 2 और मैं कपड़े अपने धो के रेडी हो चुकी हूँ। बाहर से ना उसकी आवाज़ आ रही है गालों की, मैं इसलिए बंद कर रही हूँ दरवाजा। तो मैंने खाना बना लिया है, हमारे घर पर आ रखे हैं दीदी। तो सब उनके पापा को भी कहीं जाना था, मैंने कहा पहले लंच करके जाऊँगी, तो ना दिन भर इंतजार ही रह जाती है, फिर उसके चक्कर में मैं भी लेट हो जाती हूँ। तो सही टाइम पे खाना बन गया, खाना खा के चले गए ना, फिर अपना लगे और काम पे टेंशन सीन रहती। तो मैंने खाना बना लिया है, खाना बना जैसे बनाना शुरू किया फिर दीदी आ गई थी, फिर मैंने चाय चूई बनाई, फिर मैंने खाना बढ़ के बनाया, फिर दीदी के लिए भी बनाया। और हरी सब्जी बना रखी है मैंने और आज बना रखी है कढ़ी, मैंने बहुत दिनों के बाद बना रखी है आज, बिना कड़ी वाली बना रखी है ना, सॉरी बिना पकोड़े वाली बना रखी है कड़ी मैंने। और इसमें कड़ी पत्ता भी डाला मैंने आज, इसमें ना लहसुन की खुशबू इतनी मस्त आ रही है। हरी मिर्ची और लहसुन पीस रखा है मैंने इसमें। चावल भी बन गए हैं और मूली काट रखा है सलाद में मैंने। तो अब खाना खा लेते हैं। तो हमारे घर पे आ रखे हैं दीदी आज बहुत दिनों के बाद, और ये भी रेडी हो गए बैठे है। रोज कहाँ आते हो यार? ये रही आज की लंच की थाली, कढ़ी, चावल, हरी सब्जी एंड मूली का सलाद। तो बहुत ही टेस्टी खाना है आज। ये कढ़ी है ना जो, उसकी है गाय छाकी, गांव से छाछ आ रखी थी और उसकी बना रखी है मैंने, बहुत टेस्टी होती है। तो गाइस दिन के बज गए हैं 5 और मैं कर रही हूँ थोड़ा सिलाई का काम। हमारी ना मैंने बताया था कि शादी की तैयारी हो रही है, तो मेरी ये साड़ी पे ना फॉल नहीं था, मैं इसको देख रही हूँ फॉल पहना रही हूँ और देखती हूँ। अभी तो पक्का नहीं है शादी का जाने का, पहले तो था मतलब मैं बच्चों का भी था हमारा भी था, तो अचानक ही बच्चे कह रहे कि
हमारे यूटी अगर है करके तो शायद मेरा कैंसिल भी हो सकता है, पर तैयारी पूरी रखती हूँ अपनी। क्या हुआ? नहीं है आपका कैंसिल? नहीं है तो तुम्हारी वजह से हो जाएगा ना मेरा कैंसिल। तो तुम दोनों घर पे रहोगे तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगी? तो फिलहाल तैयारी तो रखती हूँ अपनी जारी। ये वाली साड़ी पे पहना रही थी मैं फॉल, मैंने ना ये करवा चौथ पे दिन में पहन रखी थी, तो कोरा कपड़ा मतलब मैं ये न्यू है ऐसी, मैंने उसमें फॉल भी नहीं पहना रखा था। मैंने कहा फॉल वॉल पहना देती हूँ, तैयारी तो पूरी रखती हूँ अपनी, बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे कल निकलना है, पता नहीं कब सोचेंगे कब जाएंगे आप।